आज हम आपको बताएंगे छोटे बच्चों के जैसे गाय का, भैंस का, घोड़ी का, जो छोटा बच्चा होता है उसको बांधने के लिए एक सिंपल और साधारण तरीका कैसे बनेगा, ये वो हम बताएंगे। जिसमें हमने ली है 8 mm की मोटाई की रस्सी है और इसकी लंबाई करीब करीब 18 फुट है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। ये रस्सी है, इसके हम दोनों सिरे एक बार के लिए हम हाथ में लेते हैं और इसको ऐसे लंबा कर देंगे, ऐसे। इसके यहाँ जो गांठ लगेगी इसके लिए हम इतने के टेम्परेरी गांठ लगा भी देते हैं। इसका हमने करना है करीब करीब 1.5 फुट दोनों साइड, ऐसे इस तरह से जो ये गड़ामा बनेगा। और जो नीचे वाली रस्सी है इसका नीचे बांधने के लिए बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका बताएंगे। ये ले लिया हमने इस तरह से, ये इसकी लंबाई ज़्यादा इस करके हो जाएगी ताकि यहाँ गांठ लगने के बाद में इसके बराबर की हो जाएगी। अब हमने यहाँ एक निशानी करने के लिए, पहचान के लिए हम यहाँ धागा बांध लेते हैं इस जगह पर, ताकि ये डस बड़ी छोटी ना हो जाए। तो हम पहले ये वाली रस्सी लंबी है, अगर इसको ऐसे छोड़ेंगे तो छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, वो पाँव ना फंसा लें इसके अंदर। इसको हम बढ़ चढ़ाएंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने इस रस्सी पे ऐसे बट देना है, इस तरह बटनी शुरू हो जाएगी ऐसे। ये बट चढ़ा के हमने तैयार कर दी। और अब आएगा नंबर इस साइड वाली का, इसका ये वाली यहाँ तक। अब हम इसके भी ऐसे ही बट दे देते हैं। ये वाली भी हमारी साइड तैयार हो गई। और अब बच गई ये, अब हमने इसके साथ भी इसी तरह बट चढ़ा देना है। ये भी हमारी तैयार होगी और यहाँ लग जाएगी गांठ। ये गांठ लग गई।
ऐसे रसा बन जाएगा। अगर हम इनको यहाँ से अगर ये ज्वाइंट इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये अलग अलग होने से ऐसे दिक्कत करेगी। अब हमने यहाँ गांठ लगानी है, वो गांठ कैसे लगेगी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये तीन साइड है, एक दो और तीन। अब हम इसको इन दोनों के बीच से निकालेंगे ऐसे, इस तरह से, और इस साइड वाली और इस साइड वाले के बीच से निकालेंगे इसको, लंबे वाले को। और जो ये जगह बच गई यहाँ इसको लेके हम यहाँ से गुजारेंगे इस तरह से। इस तरह हमारी मोरी की गांठ लगती है, उसी तरह ये गांठ लग जाएगी। ये गांठ लग जाएगी जो हम सिंपल मोरी का जो गांठ लगाते हैं वही गांठ होती है ऐसे। ये हमारा रस्सा छोटे बच्चों के लिए बनके तैयार हो गया। एक गांठ ये खोलने से हमारी पूरी रस्सी वापसी लंबी हो जाएगी, और उसी रस्सी को एक ही गांठ के द्वारा पूरा रस्सा तैयार हो जाता है ऐसे। ये डल जाएगा और बन जाएगा, और इसके अंदर भी ये सुविधा हो जाती है, जैसे ज़्यादा खुला है या बच्चा छोटा है तो इसके अंदर हम एक ऑप्शन और होता है ऐसे यहाँ से निकाल देंगे, न कि गांठ लगाएं। और छोटा करना तो दोबारा से फिर निकाल देंगे। और छोटा बन जाएगा इस तरह से, बच्चा बड़ा होने के बाद में इसको हम निकालते रहेंगे। और ज़्यादा गर्दन फूल जाएगी तो इसको और निकाल देंगे। इस तरह ये हमारा रस्सा बनके तैयार हो गया।